दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज मामले में मंगलवार को विदेशी जमातियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में तबलीगी जमात के 83 विदेशी सदस्यों के खिलाफ 20 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। आरोप पत्र में पुलिस ने उन पर वीजा नियमों के उल्लंघन समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर टूरिस्ट वीजा पर भारत आने और मजहबी गतिविधियों में शामिल होकर वीजा शर्तों के उल्लंघन का भी आरोप है। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मौलाना मोहम्मद साद ने एक बंद जगह पर हजारों लोगों को इकट्ठा किया, जबकि इस दौरान दिल्ली में किसी भी तरह का जमावड़ा करना मना था।